हाई प्रोफाइल सीट पंजाबी बाग ते मुड़ तो जित हासिल करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी इस जित लई संगत दा धन्नवाद कीता ते कहा कि संगत ने उन्हां दे विकास दे एजेंडे ते मोहर लाई है। उन्हां नाल गलबात कीती साडे पत्रकार पंकज कपाही ने। डीएसजीएमसी चुनाव में अकाली दल बादल ने एक बड़ी जीत हासिल की है और पंजाबी बाग सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी उसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत हासिल की है। चेहरे पे खुशी, सुबह भी बात की थी और एक बार फिर अब जीत हासिल करके सुकून मिल रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास था गुरु साहब के चरणों में। उसका बड़ा कारण ये था कि जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, एक तो वो थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ दसवें पातशाह की बाणी की बेअदबी की थी, दूसरा जो उनको नगों पे विश्वास था, अपनी मुंद्रियों पे अंगूठियों पे विश्वास था। उस दिन से मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर पे यकीन था कि जिनको पत्थरों पे विश्वास है, जिनको नगों पे विश्वास है, जिनका नीलम पे और पन्ने पे विश्वास है उनका विश्वास टूटेगा, जिनको गुरुवाणी पे गुरु चरणों पे विश्वास है उनकी जीत होगी, ये मेरा पूरा विश्वास था। दिल्ली के सिख वोटरों ने आपको यहाँ पर जिताया है, पहल के आधार पर आप कौन से ऐसे काम करेंगे? देखिए, हमने 4 साल वो काम किए जो संगत के चरणों में प्रमाण थे। मैं संगत को फिर विश्वास दिलाता हूँ, जिस मान से, जिस सत्कार से आपने हमारे को झोली में यह सेवा डाली है, हम आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। इसी तरह एक निमाने सिख की तरह अगले 4 साल तक भी जहां गुरु नानक देव साई महाराज जी का 550 साल गुरुपुर बहुत बड़े पत्थर पे मनाएंगे, बहुत बड़ी दुनिया देखेगी उसको। क्या वजह रही है कि क्लीन स्वीप जो है एक बार फिर से देखने को मिली है, क्लीन स्वीप होने की वजह क्या है? देखो, मैं पहले से बता रहा था जो हमारे सामने इलेक्शन लड़े थे उनको एजेंडा नहीं था, वो एजेंडा लेस थे, उनके नेगेटिव प्रचार था। संगत ने पॉजिटिव काम देखे और एक तरफ दोष बेदोष, संगत दोष बेदोष में नहीं कामों में विश्वास कर दिया। सरना साहब को काम करना नहीं आता, उनकी उम्र उनके खिलाफ थी, वो एक एज्ड आदमी थे जो गुरु की सेवा करने की उनकी कैपेसिटी और क्षमता नहीं है, और मानसिक तौर पे भी वो नेगेटिव हैं, उनके पास पॉजिटिव सहज नहीं है, और लास्टली वो एरोगेंट हैं, बदतमीज हैं, और संगत जो है हमेशा सत्कार चाहती है। सरना साहब किसी को सत्कार दे नहीं सकते। समर्थकों में खुशी है, अब जीत का जश्न किस तरह से मनाया जाएगा, किस तरह से आप जश्न मनाएंगे? जीत तो बस गुरु साहब के चरणों में जाके उनको नतमस्तक होके, जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिया उस परमात्मा का शुक्राना करके, बस यही जीत का जश्न है। बादल ने बड़ी जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद मनजिंदर सिंह जिस पूरे खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कमल के साथ पंकज कपाही, सी मीडिया, दिल्ली।